हेलो क्लास इलेवन स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम करने वाले हैं क्लास इलेवेंथ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सोशल जस्टिस इन वन शॉट एंड आल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही अपकमिंग वीडियो के लिए सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सो लेटेज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वॉट इज जस्टिस ऑल कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हैव इंटरप्रेटेड द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन डिफरेंट फेस तो सभी कल्चर्स और ट्रेडिशंस ने जो जस्टिस का कंसेप्ट है वो अलग अलग वे से समझाने की कोशिश की है तो सबसे पहले इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं एशियंट इंडियन सोसाइटी ने जस्टिस को धर्म से जोड़ने की कोशिश करी है और माना जाता है कि जो किंग्स की मेन ड्यूटी है वो धर्म को बनाए रखना या फिर सोशल ऑर्डर को बनाए रखना ही किंग की प्राइमरी ड्यूटी या मेन ड्यूटी मानी गई है इन चाइना और चाइना की बात करें तो कन्फ्यूशियस नाम के फेमस फिलोसोफर थे आर यू डैट किंग्स शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस चाइना के एक फेमस फिलोसोफर कन्फ्यूशियस उन्होंने कहा कि किंग्स को जस्टिस बनाए रखनी चाहिए और उन्हें जस्टिस बनाने बनाए रखने के लिए जो रॉन्ग डूअर्स हैं जो गलत काम करते हैं उन्हें पनिश करना चाहिए और जो अच्छा काम करते हैं उन वर्चुअस लोगों को रिवॉर्ड करना चाहिए ऐसा उनका मानना था फोर्थ सेंचुरी बी सी एथेंस ग्रीस को बोला गया है प्लाटो डिस्कस्ड इश्यूज़ ऑफ जस्टिस इन हिज द बुक द रिपब्लिक जो प्लेटो नाम के एक फिलोसफर थे या पर्सन थे उन्होंने वो ग्रीस के रहने वाले थे और उन्होंने जस्टिस के इशूज के, के रिगार्डिंग अपनी बुक द रिपब्लिक में डिस्कस किया था द आइडिया दैट जस्टिस इनवॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू कॉन्टिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस तो हम प्रेजेंट डे में क्या मानते हैं जस्टिस को कि जो भी इंसान है उसको उसका ड्यू दे मतलब जो उसका हक है या फिर उसको जो मिलना चाहिए हम उसको वही दे ये आज की आज की डेट में हम जस्टिस का मतलब समझते हैं जो उसको मिलना चाहिए हम उसके साथ वैसा ही करें सो दैट इज़ नोन एज जस्टिस एट द प्रेजेंट डे अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिलोसोफर इमैन्यूल कंत तो एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था इमैनुअल कैंथ ह्यूमन बींग्स पोजेस डिग्निटी उन्होंने कहा कि ह्यूमन बींग्स की डिग्निटी होती है इफ़ ऑल परसन आर ग्रांटेड डिग्निटी देम देन वॉट इज ड्यू टू ईच ऑफ देम इज दैट दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर एंड एंडस्यू देयर इन गोल्स तो उनका कहना था कि अगर सभी लोगों को हमने डिग्निटी दी तो उससे उन सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपने टैलेंट्स चूज करने की या डेवलप करने की और अपने गोल्स को परस्यू करने की अपने गोल्स को पाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर हम सभी लोगों को डिग्निटी प्रोवाइड करेंगे तो ऐसा उनका कहना था जस्टिस रिक्वायर्स दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल जस्टिस में क्या चाहिए जस्टिस में होना चाहिए कि हम सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल समझे, इक्वल कंसिडरेशन दे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, ऐसा जस्टिस में माना गया है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स अब एक कंसेप्ट है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स यानी कि सभी को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करिए वन ऑफ द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल पीपल इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एक प्रिंसिपल है इक्वल इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल पीपल इसमें क्या कहा गया है कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करिए इट इज़ कंसिडर्ड दैट ऑल इंडिविजुअल शेयर सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज ह्यूमन बींग्स ऐसा माना जाता है कि सभी इंडिविजुअल के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ह्यूमन बींग्स जैसी देयर फॉर दे डिजर्व इक्वल राइट हम सभी इक्वल है हम सभी ह्यूमस हैं और ह्यूम्स तो सभी एक जैसे होते हैं सो बेसिकली तो हम सभी को इक्वल ही माना जाना चाहिए और हम सभी इक्वल राइट और इक्वल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं क्योंकि हम सभी सेम ही है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइट्स विच आर ग्रांटेड इन मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसी इंक्लूड सिविल राइट सच एज राइट्स ऑफ लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी पॉलिटिकल राइट्स लाइक the राइट टू वोट which एनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन political processes तो कुछ important राइट्स दिए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जिन्हें हम सिविल राइट्स के नाम से जानते हैं जैसे कि राइट टू लाइफ लिबर्टी राइट टू प्रॉपर्टी और कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी दिए जाते हैं जैसे कि राइट टू वोट और पॉलिटिकल राइट right से क्या होता है लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में एंड सर्टीन सोशल राइट और कुछ सोशल राइट्स भी दिए जाते हैं विच वुड इंक्लूड द राइट टू इन्जॉय अपॉर्चुनिटीज विद अदर मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी जिसमें आ जाता है राइट टू इन्जॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कि हम सभी सोसाइटी के मेम्बर्स के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन्जॉय करेंगे यानी कि हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो कुछ डेमोक्रेसीज में या फिर कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये सभी राइट्स सिविल राइट्स सोशल राइट्स एज वेल एज़ पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली वुड रिक्वायर डैट पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और ग्राउंड ऑफ क्लास कास्ट रेस और जेंडर ये जो प्रिंसिपल है ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली कि हम सभी इक्वल लोगों को इक्वली ट्रीट करेंगे यानी कि हम सभी इक्वल हैं यानी कि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं तो हम सभी को इक्वली ट्वीट किया जाएगा इसका क्या मतलब है कि, कि किसी भी पर्सन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं होने देंगे या करेंगे क्लास, कास्ट, रेस और जेंडर के बेसिस पे नेक्स्ट है proportionate justice. Uh, proportionate justice क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कि जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि सभी को सिर्फ हम इक्वली ही ट्रीट करेंगे इसके और भी एस्पेक्ट्स होते हैं देयर कुड बी सर्कमस्टांसिस इन विच वी माइट फील दैट ट्वीटिंग एवरीबडी इक्वली वुड बी अन कई बार ऐसे सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें ऐसा फील होता है कि सभी को हम यहाँ पर ट्रीट नहीं कर सकते इक्वली अगर हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे तो वो अनजस्ट होगा यानी कि वो फेयर नहीं होगा कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं इफ़ एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम बेस लाइन ऑफ इक्वल राइट्स जस्टिस इज सच केसेस वुड मीन रिवॉर्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शन टू द स्केल एंड क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट मतलब का मतलब ये है कि अगर हम सभी को सेम बेस पर रखेंगे हम सभी को इक्वल राइट्स नहीं देख सकते एक तरह से कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है देखो सब लोग अलग अलग क्वालिटी ऑफ एफर्ट करते हैं अलग अलग काम करते हैं तो अगर हम सभी लोगों को इक्वली रिवॉर्ड करेंगे तो इसका मतलब तो ये होगा कि हम सभी का वर्क तो अलग है सभी ने अलग अलग तरह का एफर्ट शो करा है लेकिन जो उन्हें रिवॉर्ड मिला वो सेम है तो हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट करा हो किसी ने बहुत कम किया और किसी ने करा ही ना हो लेकिन हम उन सभी को इक्वली रिवॉर्ड थोड़ी कर सकते नहीं कर सकते तो सेम सिचुएशन को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है हाव एवर इट वुड बी फेयर एंड जस्ट टू रिवॉर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क डिफरेंटली लेकिन अगर हम अलग अलग तरह के वर्क को अलग अलग तरह से रिवॉर्ड करेंगे तो वो फेयर माना जाएगा इफ़ वी टेक इन टू अकाउंट फैक्टर्स सच एज द एफर्ट रिक्वायर्ड द स्किल्स रिक्वायर्ड द पॉसिबल डेंजर्स इन्वॉल्व इन दैट वर्क एंड सो ओन हम किसी भी पर्सन को इन सभी फैक्टर्स को देख कर ही रिवॉल्व करेंगे तो ही फेयर होगा क्योंकि सभी पर्सन सिमिलर काइंड ऑफ एफर्ट नहीं शो करते सिमिलर स्किल्स नहीं हैं और सभी के वर्क में पॉसिबल डेंजर जो है वो सेम नहीं होता इसलिए सभी तरह के लोगों को अलग अलग जो वर्क कर रहे हैं उन्हें अलग अलग तरह से रिवॉर्ड किया जाना चाहिए फॉर जस्टिस इन सोसाइटी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स टू बी बैलेंसड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि अगर हमें सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन करनी है तो सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल से ही काम नहीं चलेगा हमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा रिकग्नीशन ऑफ स्पेशल नीड्स एक तीसरा प्रिंसिपल है जस्टिस का तो दो प्रिंसिपल्स हम पहले से ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट इज़ इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स एंड सेकेंड वॉज प्रोपोशनेट जस्टिस और थर्ड प्रिंसिपल है जस्टिस का विच वी रिकोगनाइज इज फॉर सोसाइटी टू टेक इंटू अकाउंट स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल विच डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स और ड्यूटीज इसके अकॉर्डिंग क्या माना गया है कि जस्टिस में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ लोगों को स्पेशल नीड्स मिलनी चाहिए रिवॉर्ड्स जब हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो कुछ लोगों की स्पेशल नीड्स के ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए यानी कि डिसेबल्स की बात की गई है यहाँ पे फिजिकल जो कैपेबल नहीं है उनकी बात की है वो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ द स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरी कॉन्ट्राडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट सो मच एज एक्सटेंड इट बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग एकवल्स इक्वली कूड इम्प्लाय दैट पीपल हु नॉट इक्वल इन सर्टेन इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट कूड भी ट्रीटेड डिफरेंटली अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को स्पेशल नीड्स स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए तो ये तो जो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स है उसके खिलाफ हो जाएगा बट नहीं कुछ लोगों के अंदर फिज़िकल डिसेबिलिटीज होती हैं तो जिससे वो इक्वल से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं वो हमारे इक्वल नहीं कहलाते तो उन्हें स्पेशल नीड्स प्रोवाइड की जानी चाहिए पीपल विथ स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज कुड भी कंसिडर्ड अनिक्वल इन सम पर्टूलर रिस्पेक्ट तो जो स्पेशल नीड्स या फिर जो डिसेबल लोग हैं उन्हें कुछ कंडीशंस में हमें अनईक्वल मानना चाहिए ताकि उन्हें हम स्पेशल हेल्प और रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर सकें तो जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं उन्हें गुड एजुकेशन हेल्थ केयर के लिए उन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इंडिया में द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड फॉर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड कोटाज फॉर एडमिशन्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स ड्यू टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट सो बेसिकली इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउड करा है गवर्नमेंट जॉब्स और कोटाज में रिजर्वेशन एस सी और एस टी वाले लोगों के लिए ताकि उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके कास्ट के बेसिस पे Different groups in the country might favor different policies depending upon which principle of justice they emphasize तो जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो अलग अलग policies के ऊपर फेवर कर सकते हैं क्योंकि वो हो सकता है कि वो जस्टिस का कोई अलग अलग प्रिंसिपल एम्फोसाइज करते हों या मानते हों लोगों की सोच अलग हो सकती है इसलिए वो जस्टिस को भी अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अब जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं और समझते हैं सोशल जस्टिस ऑल्सो कंसर्नस द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज तो हम सोशल जस्टिस में गुड्स और सर्विसेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग भी हम बात करते हैं वेदर इट इज़ बिटवीन नेशंस और बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद अ सोसाइटी चाहे वो अलग अलग देशों के बीच में हों या फिर सोसाइटी के बीच में हों या फिर अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हो If there are serious economic or social inequalities in a society, it might become necessary to try and redistribute some of the important resources of the society to provide something like a level playing field for citizens. अगर सोसाइटी में कुछ ज़्यादा ही सीरियस इकोनॉमिक और सोशल इनक्वालिटी है तो ज़रूरी हो जाता है दोबारा से इन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सिस को डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि सभी को एक लेवल प्रोवाइड किया जा सके एक कंट्री के सिटीजन्स को एक लेवल प्रोवाइड किया जा सके सोसाइटी में देअर फॉर विद इन अ कंट्री सोशल जस्टिस वुड रिक्वायर नॉट ओनली दट पीपल वी ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ़ द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ़ द सोसाइटी बट ऑल्सो दैट दे इन्जॉय सम बेसिक इक्वलिटी ऑफ लाइफ कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटीज इसीलिए यह माना जाता है कि कंट्री में अगर सोशल जस्टिस को हमें चलाना है या सोशल जस्टिस हमें एंजॉय करना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों को हम इक्वली ट्रीट करेंगे लॉज और पॉलिसीज के बेसिस पर बट ऑल्सो कि हम उन सभी लोगों को बेसिक इक्वालिटी देंगे लाइफ की और कुछ कंडीशन और अपॉर्चुनिटीज भी उन्हें मिलेगी यानी कि सोशल जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि सबको इक्वल राइट्स और इक्वल लॉज ही मिलेंगे इसका मतलब ये भी है कि लाइफ के रिगार्डिंग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग भी उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स मिलेंगे डिफ्रेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑन मैटर्स सच एज वेदर एंड हाउ To distribute resources and ensure equal access to education and jobs अराउस fears, passions in society and even sometimes वोक violence. तो कई बार क्या होता है सोसाइटी में कि लोग सोचते हैं कि हम रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें जैसे कि एजुकेशन की इक्वल एक्सेस और जॉब्स की इक्वल एक्सेस इसके रिगार्डिंग सोसाइटी में कई बार बहुत ज़्यादा वायलेंस भी शुरू हो जाता है अ वेल नॉन पॉलिटिकल फिलोसफर जॉन रॉल्स अब एक बहुत जाने माने पॉलिटिकल फिलासफर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम था जॉन रॉल्स एज आर्ग्यूड दैट देर कुड बी अ रैशनल जस्टिफिकेशन फॉर एक्नोलॉजिंग द नीड टू प्रोवाइड हेल्प टू द लीस्ट प्रिवेज मेम्बर्स ऑफ अटी तो उन्होंने क्या कहा उनका कहना था कि जो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम प्रिवेलेज हैं ठीक है तो उन्हें हमें कुछ एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए और उसके लिए एक रैशनल जस्टिफिकेशन होना चाहिए ऐसा उनका कहना था अब जॉन रोल्स ने क्या क्या कहा वो हम उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस में समझते हैं जॉन रोल्स आई क्यूज दैट द ओनली वे वी कैन अराइव एट अ फेयर एंड जस्ट रूल इज़ इफ़ वी इमेजिन आवर सेल्स टू बी इन अचुएशन इन विच वी हैव टू मेक डिसीजन अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज ऑल दो वी डो नॉट No, which we would in that उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि फेयर और जस्ट अ, अ, जस्टिस मिले सभी लोगों को तो हमें अपने आप को इमेजिन करना होगा एक ऐसी में वी हैव टू मेक डिसीजन्स हमें डिसीज जहाँ पर हमें खुद डिसीजनस लेने पड़ेंगे सोसाइटी के रिगार्डिंग कि कैसे एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज होना चाहिए लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम किस पोजिशन में है सोसाइटी के तो इसका क्या मतलब है कि हमें नहीं पता हम सोसाइटी में किस पोजिशन पे लाए करते हैं लेकिन हमें सिर्फ ये सोचना है कि सोसाइटी को कैसा होना चाहिए ताकि हम किसी भी प्लेस पर हो हमें एक और जस्टिस मिलती रहे उनका कहना ये था रोल्स डिस्क्राइब दिस एज थिंकिंग अंडर अ व्हील ऑफ़ इग्नोरेंस उन्होंने कहा था कि ये ऐसा है कि जैसे कि तुम एक व्हील ऑफ़ इग्नोरेंस के अंडर सोच रहे हो ही एक्सपेक्ट्स दैट इन सच सिचुएशन ऑफ कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट आर पॉसिबल पोजीशन एंड स्टेटस इन सोसाइटी ईच पर्सन वुड डिसाइड इन द वे जनवरी डू दैट इज इन टर्म्स ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट तो उन्होंने कहा था कि व्हील ऑफ़ इग्नोरेंस व्हील का मतलब होता है घूंघट बेसिकली तो उन्होंने कहा था कि जब हम इस पूरी तरह से इग्नोर इग्नोरेंस के माहौल कोई सिचुएशन को इमेजिन करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि हम सब ट्रस्ट जो है वो अलग अलग हो हम अपने अपने हिसाब से इस चीज को सोचेंगे तो हम सभी को किसी को भी नहीं पता होगा इस टाइम पे कि कैसी पोजीशन हमें मिलेगी कली तो हम क्या चाहेंगे कि हम एक फ़्यूचर सोसाइटी को मतलब बहुत दूर के नज़रिए से सोचने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्या क्या हो सकता है कैसी बेटर से बेटर सोसाइटी हो सकती है हम वो सोचने की कोशिश करेंगे दिस वुड नॉट हेल्प दोज हु आर बॉर्न इन डिसएडवाटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लेकिन जो सोसाइटी में डिसडवाटेज सेक्शन में बिलोंग करते हैं उनकी क्या गलती है कि वो जस्टिस उन्हें नहीं मिल पा रही तो उनके बारे में भी हम इस तरीके से सोच पाएंगे इट इज़ ऑफ कोर्स नॉट ईजी टू इरेज आर आइडेंटिटीज़ हमें पता है कि हमारी आइडेंटिटीज़ को मिटा पाना ईजी नहीं है एंड टू इमेजिन वन सेल्फ अंडर अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस और ये सब कुछ इमेजिन करना मुश्किल है बट देन इट इज़ इक्वली डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड शेयर देयर गुड फॉर्चून विद स्ट्रेंजर्स और ऐसा ही दूसरे लोगों के साथ भी है कोई भी दूसरे लोगों के साथ अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने गुड फॉर्चून को स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ी शेयर कर पाएगा कोई हम जैसे कि सपोज करो आप हो आप चाहोगे कि आपका कोई सामने स्ट्रेंजर है उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले सेम फैमिली कंडीशंस मिले जैसे आपको मिल रही हैं नहीं िटी लीड अस टू बी फेयर एंड जज इम रिगार्डिंग हाउ टू एंड दर्डन ऑफ द सोसाइटी हो सकता है कि हम इम पार्शली सोचें इसके बारे में कि कैसे बेनिफिट्स को हम सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन एक इससे एक रैशनल थिंकिंग भी तो हो सकती है मतलब इससे हम क्या होगा कि हम अच्छे से अच्छे सोचने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता हम सोसाइटी में हो सकता है हम लोअर से लोअर लेवल पे लाए करें तो हम चाहेंगे कि हम बेशक किसी भी लेवल पे लाए करें लेकिन हम सेम रहे सोशल जस्टिस इफ़ इन अ सोसाइटी डीप एंड परसिस्टेंस डिविजन एग्जिस्ट बिटवीन दोज हुए ग्रेटर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी एंड द पावर विच गोज विच ओनरशिप एंड दोज आर एक्सक्लूडेड एंड डिप्राइव वी वुड से दैट सोशल जस्टिस इज लैकिंग देयर। अगर हमें सोसाइटी में दिखता है कि किसी के हाथों में तो बहुत ज़्यादा वेल्थ है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का ओनर है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग हैं जो कि बिल्कुल डिप्राइव्ड हैं, बहुत पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं लैक कर रही है जस्टिस डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट इक्वालिटी जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से इक्वालिटी हो एंड सेमनेस इन द वे इन विच पीपल लिव और जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इक्वल हो सब एक तरह की जिंदगी जिए सब कुछ सेम हो इसका मतलब ये नहीं होता वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल हैव बीन डिवाइज बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स एंड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मेथड्स आए हैं लोगों की बेसिक नीड्स के बारे में जानने के अलग अलग गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके बारे में सोचा है, जैसे कि वर्ल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, democratic government. Democratic government की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानी जाती है लोगों को बेसिक नीड प्रोवाइड करना However, providing such basic conditions of life to all citizens may pose a heavy burden. हो सकता है कि सभी लोगों को ऐसी basic condition provide करना एक बहुत heavy burden है government में particular uh, particularly in countries like India, India जैसी countries में जहाँ पर बहुत ज़्यादा poor लोग हैं In India, different approaches are being supported by different political groups. अलग अलग political group के अलग अलग approach हैं जो debate करते हैं एक दूसरे के साथ अलग अलग स्कीम्स के ऊपर और अलग अलग मेथड्स के ऊपर मतलब कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं ऐसे सोसाइटी को ऐसी पुअर पुअर जो लोग हैं पॉपुलेशन है उनको तो उसके ऊपर अलग अलग देखो क्या होता है बेसिकली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग अप्रोचेज़ होते हैं अलग अलग आइडियाज़ होते हैं तो उनकी जो आइडियाज़ हैं वो मैच नहीं कर पाती तो इसके रिगार्डिंग डिबेट होती है कि कैसे वो पुअर पीपल्स को हेल्प कर पाएँ कैसे उन्हें भी एक प्रॉपर लेवल पर लाए होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल्सो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए सो नेक्स्ट इज़ फ्री मार्केट वर्सेज स्टेट इंटरवेंशन अब भाई फ्री मार्केट्स कौन सी होती है आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था जिन मार्केट्स में जो गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं होता दोज वर नोन एज फ्री मार्केट्स और होता भी है तो बहुत मिनिमल रोल होता है तो बेसिकली सपोर्टर्स ऑफ द फ्री मार्केट बिलीव दैट इफ मार्केट्स आर लेफ्ट फ्री ऑफ द स्टेट इंटरफेरेंस द सम ऑफ द मार्केट ट्रांजेक्शन वुड इंश्योर ओवरऑल अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड ड्यूटीज़ इन द सोसाइटी यानी कि अगर फ्री मार्केट में स्टेट का स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री का या फिर गवर्नमेंट का रोल बताया गया है कि अगर फ्री मार्केट होगी और इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें क्या होगा कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ये देखा जाएगा हाव एवर नॉट ऑल फ्री मार्केट सपोर्टर्स टूडे वुड सपोर्ट एब्सोलटली अनरेगुलेटेड मार्केट लेकिन आज के आज में क्या हो रहा है कि जो फ्री मार्केट सपोर्टर्स हैं वो पूरी तरह से अनरेगुलेटेड मार्केट्स को सपोर्ट नहीं करते मैनी वुड नाउ बी विलिंग टू एक्सेप्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस ला लागू करवाने के लिए स्टेट्स कुड स्टेप इन एंश्योर बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल और स्टेट अगर स्टेट ने स्टेप अप किया उन फ्री मार्केट्स में तो वो कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी लोगों के लिए इंश्योर करवाएंगे सो दैट दे आर एबल टू कम्पीट ऑन इक्वल टर्म्स ताकि सभी लोग इक्वल टर्म्स पे कम्पीट कर पाए वन ऑफ़ द आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड इन फेवर ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ दैट इट गिवस अस मोर चॉइस बस फ्री मार्केट में क्या हो जाता है कि हमें मोर चॉइज मिल जाती हैं लेकिन जब तक स्टेट का रोल नहीं होगा ना जब जब तक स्टेट इन्वॉल्व नहीं करेगी किसी भी मार्केट में तब तक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्श्योर नहीं हो पाएगा हो सकता है मतलब प्राइजेस हाई चली जाए लेकिन जो पुअर है पुअर को तो बेसिक लेवल नहीं मिल पाएगा रिच तो खरीद लेंगे आराम से सो अनदर आर्ग्यूमेंट ऑफन हर्ड इन फ्री मार्किट्स एंड प्राइवेट इंटरप्राइज इज दैट क्वालिटी ऑफ सर्विसज दे प्रोवाइड इज ऑफन सुपीरियर टू द प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बट द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज मे पुट दैम आउट ऑफ द रिच ऑफ द पुअर यानी कि दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है कि फ्री मार्केट्स और प्राइवेट में क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सुपीरियर तो होती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड की गई सर्विसेज की कंपैरिजन में वो सुपीरियर होती है लेकिन उनकी जो कॉस्ट है ना कंपीट नहीं कर पाएंगे पुअर उस कॉस्ट से मतलब कि पूअर लोग वो चीज़ें वो सर्विस ऑप्ट ही नहीं कर पाएंगे आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पुट फॉरवर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट दोनों साइड्स पे आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं बट फ्री मार्केट्स ऑफन एन अ टेंडेंसी टू वर्क इन फेवर ऑफ ऑलरेडी प्रिवलेज लेकिन जो फ्री मार्केट हैं वो बहुत कम होता है कि वो प्रिविलेज सेक्शन को फेवर करें या फिर वो उनके फेवर में वर्क करें इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिसएग्रीमेंट्स अबाउट द इश्यूज ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिस आर इनविटेबल एंड इवन हेल्दी बिकॉज दे फोर्स अस टू एग्जामिन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द व्यू एंड रैशनली डिफेंड आर ओन व्यूज तो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिबेट होती है जस्टिस के रिगार्डिंग और ये बहुत अनगिनत डिबेट होती है और ये कभी ख़त्म नहीं होती लेकिन ये हेल्दी भी साबित होती है मतलब अच्छी भी साबित होती है क्योंकि इससे हम मजबूर हो जाते हैं इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए जस्टिस के बारे में सोचने के लिए और हम अपने व्यूज को डिफेंड भी कर पाते हैं पॉलिटिक्स इज अबाउट द नेगोशिएशन ऑफ सच डिसग्रीमेंट्स अबाउट थ्रू डिबेट पॉलिटिक्स में सिर्फ हम नेगोशिएट कर पाते हैं इस इस चीज की डिबेट के ऊपर सो बेसिकली आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग